तो आगे फ्रेंड कैसे हैं। उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम दोस्तों बात करते कि मैं अपनी वीडियो को कैसे एडिट करता हूं। जब भी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूं, आप देखते हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो रोटेट होता रहता है। मेरा फ़ोन का जो बैकग्राउंड है वो कोई दूसरे कलर का होता है, और वहाँ पर मैं अगर आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ दिखाता हूँ तो वहाँ पर जूम करके एक एरो का निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये सब मैं कैसे करता हूँ वही आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं और वहां पर वो जूम नहीं कर पाते, एक एरो का निशान नहीं लगा पाते, जो अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते, इसलिए उनकी वीडियो पर जो है ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं आता है और उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको ले चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे आपको एडिट करना है। तो अभी जो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। जो ऐसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन जो है रिकॉर्ड हो रही है, और मुझे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना, जैसे कि मैं अपनी सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको बताना है कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में कैसे जाना है। यहाँ से जो आप क्लिक करेंगे ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले में, फिर आपको डिस्प्ले साइज पर क्लिक करना है। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे इस तरीके से आप समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जूम करके कैसे दिखाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया मेरा इतना छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्ड। अब इसको हम यहाँ से करते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। अब ये हमारी स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब उसको एडिट करने के लिए आपको करना है कि अपने काइन मास्टर में चले जाना है। काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना का मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं अभी यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, और बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका ग्रीन वाला बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए इसको यहाँ से ओके कर देना। अब ये आपका बैकग्राउंड जो है आपको उतना ही रखना जितना आपका वीडियो का साइज है, जैसे कि जितनी बड़ी आपकी वीडियो है उतना ही आपको रखना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो लगभग वो 33 सेकंड का होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको वो स्क्रीन रिकॉर्ड जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड है, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड था। अब इसको आपको करना है कि यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करना है और इस तरीके से आपको रख देना है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको तीसरी चीज़ क्या करना है, आपको फिर से लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपका जो भी फ़ोन है उसका फ़ोन फ्रेम जो है PNG फ़ोटो आपको डाउनलोड कर लेना है। वो चाहे तो आप, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फिर से मीडिया में जाना है और आपको अपने फ़ोन का जो PNG फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर डाउनलोड में जाता हूँ। डाउनलोड, ये मेरा PNG फ़ोटो हो गया। जैसे दोस्तों ये मेरा PNG फ़ोटो हो गया, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, फिर से अपनी वीडियो पर सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जब आपका फ़ोन फ्रेम बिल्कुल बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो जाए फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फ़ोन फ्रेम PNG फ़ोटो है उसको भी इसी वीडियो के बराबर कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम कर देते हैं, जैसे कि दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अब इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, अब इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। आपको अपने हिसाब से सेव कर लेना है, आप जितनी HD क्वालिटी चाहते हैं। तो मैं 720 रखूँगा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो फटाफट से दोस्तों आप देखते रहिएगा। अब आपको करना है, ये जो वीडियो है आपको ग्रीन स्क्रीन पर सेव कर लेना है। जैसे आपका ये सेव हो जाएगा, अब यहाँ से करना का बैक आना। बैक आने के बाद फिर से आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है और फिर से मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। आप चाहे तो अपने फ़ोन के जो डाउनलोड फ़ोटो हैं उसको बैकग्राउंड रख सकते हैं, या फिर आप इसी काइन मास्टर में से रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाला मैं रख लेता हूँ ब्लैक वाला, उसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो फूल का आकार आ रहा है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो इसको क्रॉप कर देते हैं, इस पर क्लिक करना है क्रॉप पर, और उसको यहाँ से जूम कर देते हैं।
ये अब हमारा ब्लैक ब्लैक बचा है और इसको यहाँ से क्लिक कर देते ताकि ये घटे बढ़े ना बाद में। जैसे दोस्तों आप क्रॉप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर करना क्या, आपको उतना ही बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना जितना आपका वीडियो है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको हम 33-34 सेकेंड। हाँ बस ठीक है। अब यहाँ पर फिर से यहाँ इधर साइड में आ जाना है, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी ये वाली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी वीडियो हो गई। अब इसका जो है बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पर आपको करना है क्रोमा की पर क्लिक करना है। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको 50-50 रख देना है, ठीक है। 50-50 रखने के बाद ये आपकी वीडियो हो गई। अब आपको इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके सीधा कर लेते हैं फ़ोन को। ये आपका फ़ोन जो है आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे जूम करेंगे, कैसे आप इसको रोटेट करेंगे, स्लाइड करेंगे, ये सब जो है आपको ध्यान से देखना है। अब ये आपका वीडियो हो गया। अब यहाँ पर जैसे ये क्लिक किया, यहाँ पर जो की वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा फ़ोन को आपको जूम कर लेना है इसे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, फिर थोड़ा सा प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको फ़ोन को कहीं भी रोटेट करिए, कहीं पर ले जाना है, वो आप लेते जाइए, ठीक है, इस तरीके से। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अब आप फ़ोन की सेटिंग में जा रहे हैं तो करना क्या, अब आपको यहाँ पर फ़ोन को जूम करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम कर लीजिए जितना आप चाहें। ये आपका फ़ोन जो है जूम हो रहा है। ये आप सेटिंग में आएँ तो यहाँ पर और भी जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर से आप यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आप जैसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में गए, फिर से आपको करना क्या, थोड़ा सा और जूम कर लेना है इस तरीके से, जितना आप चाहें उतना दिखा सकते हैं। फिर से आपको जूम आउट करना है तो यहाँ पर जो है फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से जो है जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। आप देखते जाइएगा ध्यान से, ये हमने लगा दिया। अब इसको वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा फ़ोन जो है कितने अच्छे तरीके से चलने लगा है, ये देखिए। अभी आपको एरो कैसे लगाना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। जैसे आप यहाँ पर गए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर, ये आपका जूम हो रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, फिर से लेयर पर क्लिक करना, तो यहाँ पर वीडियो को रोक देना है, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, ये जो आपका दिख रहा है ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एरो सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से ये वाला एरो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये आपका एरो हो गया। तो आप इसको किसी भी तरीके से रोटेट करके लगा सकते हैं। ये देखिए अब जैसे आपको बताना है कि आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है तो ये आपको यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए ये आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद जितनी देर आपको रखना है उसको यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए उतना छोटा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जो है आप एरो लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जैसे आपका वीडियो ये एडिट हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से जो है फिर से सेव कर लेना है जितनी क्वालिटी में आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था वीडियो एडिट करने का। अगर आपको समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट।